and the Holy Spirit. Our Father, what name will be the name? The kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Lord, please bless the food that we are giving to the poor. Let the stomach be full and bless them. Bless us and our family also. May I go rest in peace. यहाँ पे मेरे हस्बैंड होली वाटर से खाना ब्लेस कर रहे हैं। ऐसा हम लोग करते हैं डोनेट करने से पहले कुछ भी भगवान के नाम पे। हेलो मेरी डू फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड से आज आपके एक मैसेज है, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। आप कुछ गलत वे में ये सब मत लेना, ये हम अपने पर्सनल इसके लिए कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं डेली व्लॉगर हूँ, इसलिए मैं ये सब दिखा रही हूँ, वरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मीन्स इसलिए मैं ये सब दिखा रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए या कमेंट्स के लिए, लाइक्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए ये सब कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरे हस्बैंड जो है वो पर्सनली ये करते रहते थे, एक दो ऐसे लोगों को देते थे जो हम लोग दान दे रहे हैं या किसी को कुछ दे रहे हैं, करते रहते थे। पर मैंने अभी उनको बोला कि ये थोड़ा एक एक करके देने से अच्छा कि तू एक ही बार कर दे, ठीक। तो अभी मेरे हस्बैंड आपसे बात करेंगे। हाय, एक्चुअली हम लोग ये खाना दे रहे हैं तो गरीब लोग के लिए, तो ऐसा आप भी कर सकते। तो क्या छोटा है, छोटा है, गरीब लोग के लिए खाना दे रहे हैं। ये हमारे फैमिली को अच्छा, हम लोग को खुश रखने के लिए, जीना के मम्मी को या मेरे मम्मी को, वो बीमार तो नहीं है पर आगे जाके उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए हम लोग देते हैं। हर साल में थोड़ा बहुत तो देना पड़ता है, उन लोग भी गरीब है, उन लोग को भी खाना नहीं मिलता तो देना। आप भी प्लीज़, मैं चाहता हूँ करके आप भी थोड़ा बहुत दे लो, तो प्लीज़ इतना ही बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो उनका ये मतलब है बोलने का कि जैसे अगर हम कुछ करें और किसी को भी इंस्पायर करें कुछ करने के लिए, अगर क्योंकि मेरे को एक ऐसे प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं दिखा सकती हूँ, इंस्पायर कर सकती हूँ। तो आप भी कुछ करो। सबको ही देता होगा, पर अगर कोई नहीं करता होगा या आपकी कैपेसिटी है, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है आप लोगों को दो। और आप बिल्कुल मत समझो ये किसी को हमको सिखा रही है या लेक्चर दे रही, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल किसी को कुछ नहीं सिखा रही, सिर्फ मैं जो करती हूँ वो आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ इसलिए दिखा रही हूँ। और मैं कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि मेरे व्यूज़ इतने बढ़ जाएंगे या ये सब हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपके पास कैपेसिटी हो, जितनी भी आप भी करो और दूसरों को भी इंस्पायर करो ये सब करने के लिए। तो हम अगर आगे जो भी कर रहे हैं आपको बताते रहेंगे। ये सिर्फ हमारे फैमिली के गुड हेल्थ के लिए है, वेलबींग के लिए है। ओके, सो स्टे ट्यून, बाय। देखो मेरा हस्बैंड कितना खुश लग रहा है, हम लोग घर से निकल गए और अभी उनको अच्छा लगता है वीडियो में आने के लिए, मेरे व्लॉग्स बनते देखते हुए ये बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। और खुद बोले कि मैं ये तेरे व्यूवर्स को कुछ बोलना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ। और ये हमारे घर के वहाँ पर ही पेट्रोल पम्प है जो हम रुके पेट्रोल भरने लगे, और कभी कभी बहुत ऑकवर्ड हो जाता है ये सब वीडियो निकालने के लिए, पर निकालना पड़ता है। और ये है बर्तनों की दुकान, जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, ये अंबरनाथ के वे पे ही है। जो लोग मुझे देखते हैं उनको पता होगा वो अंबरनाथ कहाँ है।
और ये है हम शिव मंदिर के वहाँ पे आ गए थे अंबरनाथ में, और हमें कुछ लोग मिले वहाँ पे और कुछ अच्छे अच्छे लोग भी मिल रहे थे और आके खाना मांग रहे थे। फिर वो क्या होता है, फिर गरीबों को नहीं मिलता है। फिर मैंने उन लोगों को बोला नहीं हम लोग गरीब को देना है, आप चले जाओ। तो ऐसा है यहाँ पर। और फिर हम वहाँ से निकल गए, मैं थोड़ा सा ही शूट किया, मुझे अच्छा नहीं लगा ज़्यादा शूट करने के लिए। फिर मैं यहाँ पे फरसान की शॉप में आ गए, देखो मैं वीडियो निकाल रही थी तो सब लोग हंस रहे थे मेरे पे। तो मैं यहाँ से कुछ सामान लिया मैंने चाय नाश्ते के लिए। फिर हम वहाँ से निकल के, बहुत धूप थी तो हमें गर्मी लग रही थी, तो मैंने गन्ने का जूस और पाइनएप्पल जूस मिक्स था यहाँ पे, बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे हम घर पे आके खाना खाए, वही खाना खाए हमने अपने लिए भी ऑर्डर किया था। ये देखो मैंने 200 का ये पूरा सामान था मैंने लाया मेरे चाय के लिए। तो शाम का वक्त हो गया है, देखो सन जो अभी सेट होने जा रहा है। हम घर पे आके खाना खा लिया थोड़ा सा रेस्ट करके। अब मैं यहाँ पे व्लॉग एंड करने आई हूँ, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, आप पॉजिटिव वे में ले गए ये व्लॉग को। और जैसे आप सभी को पता है हमारा लेंथ का सीज़न चल रहा है, हम कैथलिक है, हमें 40 days का लेंथ होता है हमारा, 40 days का फास्ट होता है। फास्ट का ये मतलब नहीं है जो अगर हम खाने में ही फास्ट रखें, या मैं मानती हूँ कि फास्ट या सैक्रिफाइस जो होते हैं हमें ये 40 days में करना होता है, वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे आप अल्कोहलिक हो और सभी ऐसे करते हैं, अल्कोहलिक हो अल्कोहल छोड़ता है, जो नॉनवेज जिसको अगर नॉनवेज छोड़ना है 40 days वो 40 days नॉनवेज छोड़ता है, या फ्राइडे और वेनसडे को एक टाइम का खाना खाता है, या उस टाइम पे नॉनवेज छोड़ता है। जैसे भी सैक्रिफाइसेस हो आप इस 40 days में कर सकते हैं। लेंथ बोलते हैं हम इसमें, इस 40 days को, हमारे ईस्टर के पहले 40 days हमारे उपवास होते हैं कैथलिक में। हम इस 40 days में जो भी सैक्रिफाइसेस हो वो हम करते हैं, आपके हिसाब से करना है। इसे ही हम प्रिपरेशन बोलते हैं लेंथ ईस्टर के लिए। और इसीलिए मैं और मेरे हस्बैंड, हम ये हमारे पास जितना भी अमाउंट आता है हमारे इनकम से, हम थोड़ा सा सेव करते हैं, और ये लेंथ के टाइम पे थोड़ा सा हम गरीबों में दे देते हैं खाना। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से करता है, हर कैथलिक अपने अपने हिसाब से करता है, और हर रिलीजन में यही सिखाया है। आई थिंक सो ऐसा ही है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर मैं जितना मैं जानती हूँ मुझे पता है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोई कुछ गलत हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, पर मैं जो करती हूँ, मेरे हस्बैंड जो करते हैं, हम दोनों करते हैं, हमारा जो सैक्रिफाइस है इस 40 days के लिए, वो हम ऐसे सैक्रिफाइस करते हैं, जो हमारा थोड़ा सा इनकम है उसमें थोड़ा सा सेविंग करते हैं, और जो हम जितनी कैपेसिटी है उतना हम दे सकते हैं उतना हम देते हैं। नॉनवेज बंद करना है किसी को, जिसका जो भी है जो करता है कर सकता है। हम नॉनवेज नहीं बंद करते हैं 40 days में, और मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं बहुत टाइम, उनका टाइमिंग नहीं रहता है किसी भी मतलब, इसलिए वो कभी कभी कुछ भी खा लेते हैं बाहर से, तो उनको फास्ट तो नहीं जमता, और उनके चक्कर में मैं भी फास्ट नहीं कर सकती, इसलिए हम लोग फास्ट नहीं करते हैं। हम लोग ऐसे सैक्रिफाइसेस करते हैं, और जो जो जिसके हिसाब से सैक्रिफाइस कर सकता है वो कर सकता है, और यही है लेंथ का मीनिंग। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर लेना, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करना है। जो नए व्यूवर्स है सब्सक्राइब कर लो, और पुराने व्यूवर्स है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और मुझे आपका ढेर सारा प्यार दो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिव मी अ लॉट्स ऑफ लव। बाय।